हे गाइस, हाउ यू ऑल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो BTS मेंबर्स थे उन्होंने अपने आर्मीज को हैप्पी न्यू ईयर कैसे विश किया। सो यार, वीडियो को एंड तक देखना एंड आपने अगर कभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना। सो सबसे पहले जे होप ने अपने IG स्टोरी पे एक सेल्फी लगाए हुए थे जहाँ पे उन्होंने लिखे थे कि हेलो नाइस न्यूयॉर्क। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे BTS के लीडर यानी कि किम नाम जून है उन्होंने भी अपने IG पे एक स्टोरी लगाए हुए थे। एज दे ऑल नो कि किम नाम जून को आर्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है तो उन्होंने पेंटिंग का स्टोरी लगाए हुए थे जहाँ पे उन्होंने लिखे थे गो वाइल्ड 2022 कि जो 2022 है वो बहुत ही अच्छा बीता। आपने किम तैयोंग के भी IG स्टोरी को देखा ही होगा जहाँ पे हम देखते थे कि वी की एक लवली सी पेंटिंग थी, वहाँ पे सातों मेंबर्स की पेंटिंग होती है जो कि वी अपने आर्मीज के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद किम नामजून अपने IG पे एक लॉन्ग सा मैसेज लिख के देते हैं एंड साथ ही साथ लिखते हैं कि बाय बाय 2022 की 2022 बाय। साथ ही हम देखते हैं कि किम नामजून बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज भी शेयर करते हैं। एक में वो अपने फोन को देखते हैं, एक में उन्होंने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहने हुए जिसमें उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा है एंड एक में हम देख सकते हैं कि वो नेचर को एंजॉय करते हुए दिखाई देते। इसके अलावा जो जियोन जंगकुक है वो काफी टाइम के बाद सोशल मीडिया पे आते हैं एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स पे उन्होंने पोस्ट किया एंड उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारे मैसेजेस मिले सभी आर्मीज से कि हैप्पी न्यू ईयर। सो मैं आर्मीज को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आगे जंगकुक लिखते हैं कि 2023 में बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बहुत हेल्दी एंड हैप्पी रहें। इसके आगे जंगकुक लिखते हैं कि मुझे आशा है कि आप लोग प्लीज अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे या आप बीमार नहीं होंगे एंड इमोशनली या फिजिकली खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किम तैयोंग है उन्होंने अपने मैसेज को व्यूअर्स के माध्यम से सभी आर्मीज को दिया एंड किम तैयोंग ने भी पहले यही लिखा कि मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे न्यू ईयर के मैसेजेस मिले हैं एंड मुझे आशा है कि ये जो ईयर है सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो एंड सभी इस ईयर को बहुत ही खुशी के साथ स्टार्ट करें। हम आगे देखते हैं कि किम नामजून हैप्पी न्यू ईयर बोलते सभी आर्मीज को इंस्टाग्राम के माध्यम से। हम देखते हैं कि जो जे होप है उन्होंने भी सभी आर्मीज को हैप्पी न्यू ईयर विश किया एंड जे होप ने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एंड वापस आ गए हैं, लव यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो जिमिन शी है उन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग सा मैसेज किया अपने सभी आर्मीज को एंड उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि ये जो साल है ये सच में बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है एंड मुझे अभी भी पछतावा है कि ये साल इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया एंड हम आप सभी लोगों से नहीं मिल पाए। यस आई नो कि यहाँ पे काफी कॉन्सर्ट हुए लेकिन तब भी काफी जो देश है वहाँ पे भी जो जिमिन शी है वो जाना चाहते थे इस साल खत्म होने से पहले। आगे जिमिन बताते हैं कि ये साल जितनी जल्दी खत्म हुआ है लेकिन काफी चीजें इसमें अच्छी भी हुई है। COVID-19 के बाद हम लोग आप सभी से मिल पाए, साथ में हंस पाए, साथ में एक हैप्पी मोमेंट बिता पाए। हमने काफी एक्टिविटीज की, हमारे सॉन्ग्स आए, अपने होम टाउन बुशान में भी हमने कॉन्सर्ट किए, साथ ही हमने यहाँ पे अपने जो जे होप ह्यूंग है उनका एंड नामजून ह्यूंग का एल्बम स्टेज भी देखा, एल्बम स्टेज परफॉर्मेंस भी हमने देखे एंड जो हमारे सियोंग जिन ह्यूंग है वो मिलिट्री सर्विस में चले गए एंड मैंने भी अपने म्यूजिक पे काम करना स्टार्ट कर लिया है फर्स्ट टाइम एंड मैं काफी कंपोजर से मिला तो मुझे लगता है ये जो ईयर था काफी बिजी बीता है। साथ ही यहाँ पे जिमिन आगे बोलते हैं लेकिन तब भी हम काफी आर्मी से नहीं मिल पाए, हम चाहते थे हम सभी से मिले, सभी के हाथ में आर्मी बॉम्ब हो, हम साथ में हंस सके, एक ऐसा प्लेस हो जाते हम सब गैदर हो सके, मिल सके। कोई नहीं, आई होप ये अगले साल हो पाए। मैं ना अपने शब्दों को एक साथ नहीं बयां कर पा रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों से और भी बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ एंड मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ एंड आई जस्ट हेट कि मैं आप सभी लोगों को टेंशन में डालूं, आप सभी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। आई जस्ट हेट, मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी चीज के लिए वेट ना करना पड़ रहा है एंड उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ एंड यह आई मिस यू ऑल। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो साल है ये और भी अच्छा बीते एंड मुझे काफी ब्लेसिंग्स मिले, आप लोगों के काफी मैसेजेस मिले। सो आप सभी लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखना, हर्ट मत होना एंड हैप्पी अपना ये साल बिताना। लव यू एंड आई लव यू, बाय जिमी। सो आगे वो लिखते हैं लाइक
बहुत ही इमोशनल सा मैसेज जिमिनची ने अपने आर्मीज को दिया है। तो आप BTS मेंबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो नए साल पे, आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हो। एंड एज वी ऑल नो कि जिन अभी मिलिट्री सर्विस में है तो वो आर्मीज को मैसेज नहीं दे पाए, लेकिन इट्स ओके। मैं आपको बता दूं कि जे होप ने फर्स्ट टाइम कॉल किया था जिन को, एंड जिन ने आर्मीज सबसे बातें की थी। क्या आपको ये पता है? अगर नहीं तो आप वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने बनाया है। थैंक यू, बाय।